ना भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लोगों को आगे आकर भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। तो देखिए, इसकी भ्रष्टाचारी दो जगह निकली। पहले तो वो जो पैसे थे उसे छुपाने के लिए गलत तरीके से प्रॉपर्टीज़ में और लैंड्स में इसने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट क्या किया, काला धन वहाँ पर डंप किया ताकि सरकार को टैक्स ना देना पड़े। पर्सनल पैन कार्ड के ऊपर जो इनकम होती है इसको भी इन्होंने 5 लाख के नीचे रखा। कितना वाहियात इंसान है, जो पैसा देश की तरक्की में इस्तेमाल होना चाहिए उसको भी इसने चोरी किया। ये बात करता है बिहारियों के उत्थान के लिए। सोचा नहीं होगा, मैं आज वो चीज़ लेके आया हूँ जो आपको किसी भी YouTube या बड़े नेशनल चैनल पर आज तक नहीं दिखाई गई होगी। मनीष कश्यप अंदर से कितना काला है, किस तरह के काले धंधों में वो इन्वॉल्व है, किस तरह की इल्लीगल मनी लॉन्ड्रिंग वो करता है, उसकी जानकारी पूरे सबूतों के साथ आपको मैं आज इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको पहले मनीष कश्यप के पुराने इतिहास से लेकर 2023 की यात्रा को समझना होगा। फेसबुक पर इसका एक पेज था, यूट्यूब पर इंजीनियर मनीष कश्यप नाम का 2011 का एक यूट्यूब चैनल था। फेसबुक पेज पर उसकी एक वीडियो 2017 में वायरल हो जाती है। ये वीडियो वायरल होने के बाद उसे लगता है कि इंजीनियरिंग में मेरा कोई स्कोप नहीं है, मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर ही काम करते रहना चाहिए, क्योंकि उस वीडियो को बिहार से जोड़कर लाखों लोगों ने शेयर किया था और कितने ही मिलियन उस पर व्यू आए थे, जो कि इसका पहला वीडियो था। फिर इन्होंने इसे प्रोफेशनल तरीके से शुरू करने का सोचा। सन 2017 के फरवरी महीने के 17 तारीख को इन्होंने कंपनी को रजिस्टर कराया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की जानकारी के हिसाब से सस्तक मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी को दो लोगों ने मिलकर चलाया। पहला चितरंजन कुमार द्विवेदी, जिनका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है 06806329। दूसरा आदमी था जो डायरेक्टर थे इस कंपनी के, वो हैं त्रिपुरारी कुमार तिवारी यानी कि मनीष कश्यप। इनका जो डिन नंबर था, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो 08595646 था। इन्होंने 17 फरवरी 2017 को ये कंपनी शुरू की। इस कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, सिन नंबर है U22300BR2021PT C050617। इसका रजिस्ट्रेशन पटना का है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 50617। अब आप सोच रहे होंगे ये नंबर और ये कंपनी का बता के विनय दुबे क्या साबित करना चाहता है। पूरा खेला यहीं से शुरू होता है। ये कंपनी को रजिस्टर कराया गया था एड एजेंसी के नाम पे, वीडियोस के रिप्रोडक्शन के नाम पर, ना कि न्यूज़ के नाम पर। न्यूज़ के नाम पर आज तक मनीष कश्यप ने किसी भी मिनिस्ट्री में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और एक पत्रकार के तौर पर अपने को नामांकित नहीं किया। बावजूद इसको इस कंपनी के नाम को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि इस कंपनी के नाम में मीडिया शब्द था जिसको इस्तेमाल करते लोगों को इसने बेवकूफ़ बनाया कि एक मीडिया हाउस चला रहा है, जिसके नाम पर लोगों के एडवर्टाइज़ इवेंट्स और बाकी चीज़ों को लेकर इन्होंने एक फ्रॉड जैसा सिंडिकेट तैयार किया। लेकिन ये बहुत छोटी चीज़ थी। इसके बाद इन्होंने यूट्यूब पर फोकस किया। 13 जुलाई 2018 को एक यूट्यूब चैनल नया बनाया गया जिसका नाम था सच तक न्यूज़। इस समय इसके 6.42 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और इस वीडियो के, इस यूट्यूब चैनल के अर्निंग के वजह से लाखों रुपए इसके अकाउंट्स में जमा हो रहे थे। अब ये पैसे वाइट थे, लीगल पैसा था, इसको कहीं ना कहीं डंप करना था। डंप करना मतलब उस पैसे को इन्वेस्टमेंट दिखाना था ताकि इनकम टैक्स न देना पड़े। इसके लिए उन्होंने एक दूसरी कंपनी रजिस्टर कराई जिसका नाम था सच तक फाउंडेशन। जी हाँ, ये भी रजिस्टर्ड कंपनी है। इसका उद्देश्य था शिक्षा के विभाग में कार्य करना, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी जैसी बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। लेकिन इसका जो असली इस्तेमाल हुआ वो पैसों को छुपाने के लिए हुआ। कल के बिहार के ट्वीट में भी आपने देखा होगा कि सस्तक फाउंडेशन के HDFC बैंक के अकाउंट में 34,85,909 रुपये फ्रीज़ किए गए। कुछ तो कारण होगा ना कि इतना अमाउंट इस अकाउंट में पड़ा था, उसको फ्रीज़ किया गया। पुलिस बिना मतलब किसी भी अकाउंट को फ्रीज़ नहीं करती है, उसके पीछे कारण होता है। YouTube से आया हुआ काला पैसे को सरकार को टैक्स न देना पड़े, उसको छुपाने के लिए इन्होंने एक NGO की तरह, एक सामाजिक संस्था की तरह एक कंपनी सस्तक फाउंडेशन बनाई, जिसमें ये सारे पैसे ट्रांसफ़र करने लगे। लेकिन ट्रांसफ़र होते होते अमाउंट इतना ज़्यादा होता गया कि इस पैसों को न ये सोशल वर्क में दिखा पा रहे थे, न ये इसका इस्तेमाल कर रहे थे। इस पैसों का इस्तेमाल इन्होंने गलत धंधों में किया। पटना में ज़मीनें खरीदी, फ्लैट खरीदे, बेतिया में ज़मीनें खरीदी, फ्लैट खरीदे। लेकिन ये जो ज़मीनी खरीदे थे, इसका जो सरकारी आंकड़े में जो रेट निकल के आया है वो अचंभित कर देता है। सोचिए, नगर पंचायत बेतिया में अगर आपको ज़मीन खरीदनी हो, आपको एक 530 स्क्वायर फीट की ज़मीन खरीदनी हो, तो आप उसके लिए आप कितना पैसा देंगे? मनीष कश्यप की काले धंधे की शुरुआत यहीं से होती है। 71 रुपये स्क्वायर फीट के रेट से
जिस प्राइस पर एक कोको कोला की एक लीटर की बोतल नहीं आती, उस प्राइस पे मनीष कश्यप ने 530 स्क्वायर फीट की ज़मीन 38,000 रुपये में खरीदी। ये ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, जो कि आयकर विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइटों पे ये आंकड़े हैं। इन्होंने खुद डिक्लेयर किया है, नोटरी करके डिक्लेयर किया है। ये आंकड़े मनीष कश्यप ने अपने हाथ से लिख कर, सत्यापित करके, नोटराइज करा के एक सरकारी एजेंसी को रखी है, जिसने इसकी पूरी जानकारी को वेबसाइट पर पोस्ट की है। लो, आप तक नहीं पहुँच पाती है। मेरी टीम ने इसे खोज के निकाला है। नगर पंचायत बेतिया के गृह क्रमांक BE014.027 इस ज़मीन पर 530 स्क्वायर फीट का ज़मीन लिया गया 38,000 रुपये के, मतलब लगभग 71 रुपये कुछ पैसे के रेट पर। इसके बाद इन्होंने दिखाया कि उस घर को बनाने में इन्होंने 15 लाख रुपया खर्चा किया। सोचिए, 4 आने की मुर्गी, 12 आने का मसाला। 38 लाख में पूरी ज़मीन खरीद ली, लेकिन 15 लाख रुपया खर्चा करके इन्होंने माँ के नाम पर वो घर रखा और इसे बनाया, जो आज उसकी कीमत दिखा रहे हैं वो करीबन 50 लाख के आसपास है। सोचिए, अगर मैं वो ज़मीन आज खरीदने जाऊँ तो 50 लाख की होगी, लेकिन इन्होंने 71 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से 38,000 रुपये में वो पैसे में देकर ज़मीन खरीदी। ये ट्रैप तब हुआ जब मैंने इसकी आयकर विभाग में जाकर जानकारी जाननी चाहिए। इसका पैन नंबर है ATVP0869, आगे का नहीं बता सकता क्योंकि एक प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होती है। पैन नंबर इसका है। इसके पैन नंबर पर जब मैंने जाकर इसकी इनकम की जांच करनी चाहिए तो मैं शॉक हो गया। करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन्स अकाउंट में हुए हैं, लेकिन इसने अपनी आय को छुपाने के लिए, कहता है ना भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लोगों को आगे आकर भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, तो देखिए इसकी भ्रष्टाचारी दो जगह निकली। पहले तो वो जो पैसे थे उसे छुपाने के लिए गलत तरीके से प्रॉपर्टीज़ में और लैंड्स में इसने इन्वेस्ट क्या किया, काला धन वहाँ पर डंप किया ताकि सरकार को टैक्स ना देना पड़े। इसकी जो इनकम टैक्स की रिपोर्ट जो मैंने निकाली है लास्ट 3 साल की, तो उसमें अचंभित करने वाले आंकड़े आए। जो आदमी कहता था अपनी वीडियो में कि मैं 10 लाख रुपया महीना कमाता हूँ, झूठ लगेगा तो जरा मैं खुद बुलवा देता हूँ मनीष कश्यप से। हे मनीष बाबू, बोल। सर, मैं लगा के कह रहा हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे उससे 20 गुना ज्यादा दिया, 10 लाख रुपया के आसपास आता है, कुछ लोग करोड़ों में दिखा देते हैं। ठीक है, खुद कह रहा है कि 10 लाख रुपया मैं महीना कमाता हूँ, उसके हिसाब से 1,20,00,000 रुपया साल का होता है। ये अपने मुंह से कबूल कर रहा है, मैं कोई बाहरी आंकड़ा नहीं ले रहा हूँ। 50% उसका खर्चा पकड़ लीजिए, 50 लाख रुपया खर्चा हो गया, तो भी तो 30% के हिसाब से इसको टैक्स देना चाहिए। 30 के हिसाब से इसका कितना टैक्स होता है आप खुद जोड़ सकते हैं। मैं अब आपको वो दिखाता हूँ कि पैन नंबर ATVP0869, आगे का एक नई डिजिट बता रहा हूँ, ये मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी के नाम का पैन कार्ड है। इसके ऊपर जो ITR की गई है, इनकम टैक्स का जो रजिस्ट्रेशन किया गया है, 2020 में इसकी आय थी 357,100 रुपये पूरे साल की। पूरे साल में 357,100 रुपये इस आदमी ने कमाए। 2021 में 491,893 रुपये कमाए। सोचिए, दो आदमी कह रहा था कि मैं 10 लाख महीना कमाता हूँ, उसकी आय पूरे साल की केवल 3.5 लाख, दूसरे साल लगभग 491,000, लगभग 5 लाख के हिसाब से। सोचिए टैक्स की कितनी बड़ी चोरी इस आदमी ने की है। कांड अभी यहीं नहीं रुके थे, आगे तो अभी ऐसी बहुत सारी रहस्यमय उद्घाटन है जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इसके YouTube चैनलों की एक लिस्ट है, 6 YouTube चैनल हैं और हर YouTube चैनल बहुत बढ़िया तरीके से रन करता है। मैं केवल अभी YouTube की बात कर रहा हूँ, Facebook की अलग से करेंगे। सस्तक न्यूज़ इसने बनाया, जिसमें 6.42 मिलियन सब्सक्राइबर थे। 13 जुलाई 2018 को ये बनाया गया, जिसमें 3,970 वीडियो डाले गए। दूसरा चैनल है इसका इंजीनियर मनीष कुमार, 1.16 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं। 24 फरवरी 2011 को ये बनाया गया था, इसमें करीबन 1790 वीडियो हैं। तीसरा है सस्तक न्यूज़ बिहार, जिसमें 2800 वीडियो हैं और 209,000 सब्सक्राइबर हैं। 4 फरवरी 2022 को ये बनाया गया था। उसके बाद चौथा चैनल है इसका सस्तक हाइलाइट्स, 879 वीडियोज़ इसके अंदर हैं, 1.07 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। 31 मार्च 2022 का इसका शुरुआत है। 690 वीडियोज़ डाली गई थी MK की अदालत में। ये चैनल है मनीष कश्यप का, 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। 9 जुलाई 2022 को खोला गया था। 707 वीडियो डाली गई थी सस्तक एक्सप्रेस में, जो कि शॉर्ट्स वीडियोस बनाती हैं। 1.33 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 12 जुलाई 2022 को ये शुरू किया गया था। इसके व्यूज़ की अगर बात करें तो टोटल सारे चैनलों का मिला के, शुरुआत से लेके आज तक, करीबन 5,014 मिलियन व्यूज़ इस पूरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं। अगर एक 5,000 के हिसाब से आप कैलकुलेट करो, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि यूट्यूब के जो यूनिवर्सल पेमेंट है वो 1 मिलियन का $2,000 देता है, यानी कि 1,60,000 रुपये।
मैं 5000 मान के चलता हूँ, उसके मिनिमम से आप इसे कैलकुलेट करिए। 5000 मिलियन व्यूज़ का 5000 रुपये के हिसाब से 2.5 करोड़ रुपया होता है, जो कि बहुत मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इंडियन में इंडियन पे आउट्स के हिसाब से आप बात करो तो करीबन 7 करोड़ रुपया इन्होंने आज तक केवल यूट्यूब से कमाया है। फेसबुक पे भी अगर इन 3 सालों का आंकड़ा अगर आप देखें तो 3 करोड़ रुपये के आसपास जाता है, यानी कि पूरा 10 करोड़ रुपया 3 सालों के अंदर इन्होंने कमाया है। अगर 1 साल का आप हिसाब लगाएं तो 3.3 करोड़ रुपया होता है, और टैक्स के बात की जाए तो उसका 30% हिस्सा इनकम टैक्स के हिसाब से ये गवर्नमेंट को जाना चाहिए था, यानी 1 करोड़ रुपया साल के हिसाब से। तो क्लियर 3 करोड़ रुपये का जो टैक्स है इन्होंने चोरी किया। ये हमेशा अपने टैक्स को बिना वो जो स्लैब होता है ना गरीबी रेखा वाला, 5 लाख के नीचे रखा है। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसी क्या मजबूरी थी कि करोड़ों रुपये आने के बाद भी आपने बिहार को डेवलप करने के लिए जो टैक्स का पैसा था उसको चोरी किया। ये वो सबूत हैं जो बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। एक आदमी इतना पैसा कमाया, इतनी शोहरत कमाया, उसके बाद दिल इतना छोटा क्यों था? जिस बिहार को ये भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहता था, उसकी खुद की इनकम टैक्स को इसने गलत तरीके से दिखाकर पुलिस को, आयकर विभाग को गुमराह किया। जो पैसा बिहार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, जो पैसा अच्छी शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, जो सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था बिहार की बिहारी जनता के लिए, उसके टैक्स को भी इस इंसान ने देना मुनासिब नहीं समझा। ये तो केवल इसका हालत है, कंपनियों की हालत तो इससे एक कदम आगे है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हिसाब से इन्होंने जो लास्ट बैलेंस शीट और इनकम टैक्स की जो रिटर्न की है कंपनियों की, वो की है 31 मार्च 2021, मतलब 2022 और अब 2023, पिछले 2 साल का इन्होंने अपने कंपनी का इनकम टैक्स भी रिटर्न नहीं किया है, ना कि बैलेंस शीट जमा की है। कितना पैसा आया, कितना गया, कितना टैक्स बनता है, उसकी जानकारी भी सरकार को इन्होंने, मोदी जी की सरकार को, आयकर विभाग को इन्होंने नहीं दिया। इसका मतलब पिछले 2 साल का जो पूरा का पूरा पैसा था वो काला धन के तौर पर इन्होंने इस्तेमाल किया, उसका भरपूर तरीके से लोगों के अंदर, अपने प्रॉपर्टीज़ के अंदर, काले धंधों के अंदर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। 2 चोरियाँ इनकी पकड़ी गई हैं अभी तक, क्योंकि मेरी रिपोर्ट अभी तक पूरी नहीं हुई है, मैं अभी भी इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। जो जानकारी मुझे अभी तक मिली है उसके हिसाब से पिछले 2 साल से सच तक फाउंडेशन, जिसमें कि 34 लाख रुपये पुलिस ने फ्रीज किया है, और सच तक मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये 2 कंपनियों की बैलेंस शीट और इनकी इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 2 साल से नहीं हुई है। लास्ट जो रिटर्न इन्होंने किया है वो है 31 मार्च 2021 का। दूसरा, इनका इनकम में भी पर्सनल इनकम, जो पर्सनल आई कार्ड, पर्सनल पैन कार्ड के ऊपर जो इनकम होती है, इसको भी इन्होंने 5 लाख के नीचे रखा। कितना वाहियात इंसान है, जो पैसा देश की तरक्की में इस्तेमाल होना चाहिए उसको भी इसने चोरी किया। ये बात करता है बिहारों के, बिहारियों के उत्थान के लिए, बिहारियों को नंबर 1 बनाने के लिए, लेकिन खुद इतना बड़ा टैक्स चोर है। ये पैसा आखिर किसका था? जी जाता है, अस्पतालों में बेहतरीन सुविधा नहीं है, लोग तड़प रहे हैं बेरोजगार, ऐसे जब टैक्स चोरी होती रहेगी, ऐसे लोग जब टैक्स चोरी करते रहेंगे तो सुविधाएं सरकारें कहां से देंगी? हम लोग भी कमाते हैं, हम लोग अपनी ईमानदारी के तरीके से, पिछले साल का मेरा 60 लाख का ITR था, मेरा पर्सनल विनय दुबे के पैन नंबर पे 60 लाख रुपए का ITR था। मैं टैक्स चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसी पैसे से वो सुविधाएं मैं देश से लेता हूं, मैं सवाल भी डंके की चोट पर पकड़ता हूं, पूछता हूं, और जब भी मेरे पे सवाल आता है मैं अपनी ITR रख देता हूं कि ये देखिए 60 लाख की ITR मेरी पिछले साल की है, इस साल की 31 मार्च से पहले मैं भर दूंगा। लेकिन जब मनीष कश्यप की बात आती है, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के बाद, अगर ग्लोबल $2000 पर मिलियन के हिसाब से मैं जोड़ूं, तो ये पूरा जो अर्निंग है 80 करोड़ रुपया होता है। 80 करोड़ रुपए का 30% अगर आप कैलकुलेट करें जो इनकम टैक्स होता है, 24 करोड़ रुपया होता है, जो कि 24 करोड़ उस बिहारियों का है जो बेहतर सुविधा के लिए, बेहतर इलाज के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए दिन रात वहाँ पर तड़प रहा है। और ये भाई साहब पत्रकार बनकर उसके उत्थान के लिए रोज़ गला फाड़ कर चिल्लाते थे, लेकिन खुद इतने बड़े टैक्स चोर हैं। प्रॉपर्टीज़ के मामले में इनकी जो संपत्तियाँ हैं वो पटना में पकड़ी गई हैं, जाँच के दायरे में आई है, दिल्ली में है, मुंबई में भी कुछ फ्लैट्स इनके हैं, जो कि अभी तक मेरे पास उसके तथ्य नहीं आए हैं, बहुत जल्द उसकी भी जानकारी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। किस तरह से 530 स्क्वायर फीट की जगह केवल 71 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट से ख़रीदा इन्होंने, 38,000 रुपये में 530 स्क्वायर फीट। मैं भाई 1 लाख रुपया देता हूँ, मुझे वो ज़मीन दे दे, आज वो ज़मीन 50 लाख की है। इसी तरीके से काले धंधों के अंदर लिप्त होकर इस इंसान ने केवल बिहार ही नहीं पूरे देश को क्षति पहुँचाई है आर्थिक तौर पर, और शायद यही कारण था कि इसकी जो जांच हो रही है वो आर्थिक अपराध शाखा में हो रही है। इनके तमाम जो अकाउंट सीज किए गए हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह की गलत इल्लीगल फंडिंग, इल्लीगल ट्रांजेक्शन्स में लिप्त हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें फ्रीज की गई हैं। मनीष कश्यप के गिरफ्तारी के बाद अभी बहुत सारे रहस्य खुले हैं।
मेरे सूत्र ये बताते हैं कि मनीष कश्यप ने जिस तरह से रोड माफियाओं के साथ मिलकर जिस तरह से कंक्रीट और सीमेंट और जिस तरह की वीडियोस ये बनाते थे कि ये रोड ख़राब है, वो रोड ख़राब है, वहाँ के रोड माफियाओं से भी इसके सांठगांठ हैं। इसका पैसा रोड के डेवलपमेंट में वहाँ पर एज ए इन्वेस्टर लगा हुआ है। इसके साथ में बहुत सारे ऐसे उद्योगपतियों का भी लिंक मिलेगा जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, गुजरात से जुड़े हुए हैं, मुंबई से जुड़े हुए हैं। ये लोगों ने इसके साथ मिलकर बहुत काला धन इन्वेस्टमेंट के तौर पर अलग अलग राज्यों में किया है, जिसमें कि झारखंड, बिहार, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र अभी तक मेरे ट्रैक पर आया है। ये सारी जानकारी लेकर मैं पटना पहुंच रहा हूं। ये अपराध आर्थिक अपराध शाखा को ये जानकारी मैं शेयर करूंगा। मैं जानता हूं कि बिहार पुलिस के पास ये जानकारियां होंगी, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है इस तरह के फर्जीवाड़ों को आपको चिन्हित करके उनके सामने रखना मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं एक टैक्स पेयर हूँ, बड़ी मेहनत से कमाता हूँ, भले छोटी अमाउंट कमाता हूँ, लेकिन अपने जो टैक्स की जो पैसे हैं उसे प्रॉपर सरकार को जमा करता हूँ। एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है। देश की तरक्की आप तभी पूछ सकते हैं जब आप ईमानदारी से अपने टैक्स के पैसे को जमा करें। आप तमाम लोगों से निवेदन करूँगा कि आगामी जो इनकम टैक्स की जो डेट है 31 मार्च 2023, उससे पहले अपना ITR रिटर्न जरूर करें। लेकिन जिस तरह से इसने फर्जीवाड़ा किया है उसे देखकर तो लगता है कि जैसे जैसे इसकी परतें खुलती रहेंगी बहुत सारा एक काला साम्राज्य इसका दिखने लगेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिहारियों तक, खासतौर पर बिहार राज्य के हर एक मोबाइल तक इसको पहुंचाएं। जिस इंसान को ये एक अच्छा पत्रकार समझते थे, दरअसल वो सबसे भ्रष्ट इंसान निकला। राजनीतिक तौर पर भी षड्यंत्र था कि भारतीय जनता पार्टी आज खुलकर मनीष कश्यप का साथ इसलिए दे रही है कि ये का जो पूरा षड्यंत्र था बिहार और तमिलनाडु को लड़ाने का, ये भारतीय जनता पार्टी की उपज थी, जिसमें इसकी पूरी हिस्सेदारी और सहयोगिता का मनीष कश्यप ने की थी। इसी के वजह से शायद यही कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप को बैकअप दे रही है। अगर इस षड्यंत्र में मनीष कश्यप के साथ भाजपा नहीं होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी अपने इस गुर्गे को बचाने के लिए पूरी ताकत नहीं लगा रही है। ये ताकत इसलिए लगाया जा रहा है कि अगर मनीष कश्यप पकड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो तार हैं ये भारतीय जनता पार्टी तक ज़रूर पहुँचेगा, और इसी को बचाने के लिए लगातार बिहार सरकार तेजस्वी और बाकी को टारगेट करके वहाँ की सरकार को अस्थिर करने की नापाक कोशिश की जा रही है। बिहार को लोगों को समझना चाहिए, इस इंसान ने केवल व्यावसायिक तौर पर आपका इस्तेमाल किया, बिहारियों के भावनाओं के साथ खेला। जब भी ये राष्ट्रवाद, हिंदुत्व की बात करता था, दरअसल ये अपने लिए व्यावसायिक मौके तलाशता था। इसका उदाहरण आपको आगे भी वीडियो में मेरी अभी जो रिसर्च है केवल 10% है, आगे और भी रिसर्च होगी और वीडियो आपको अपडेट होती रहेगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट करें, इस तरह के लोगों से जालसाजों से बच के रहें, वीडियो को शेयर जरूर करें। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं सरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, और देखते रहिए सच झारखंड TV।